नदी के किनारे एक पेड़ था। उस पेड़ पर रोजी और उसकी बेटी स्वीटी नाम के दो चिड़िया रहते थे। स्वीटी उसके दोस्तों के साथ खेल के थक कर एक पेड़ पर आके बैठती है। थोड़ी देर बाद स्वीटी चिड़िया को पेट में दर्द होने लगता है। सोचते हुए स्वीटी खुद से बात करने लगी, अरे ये क्या हुआ मुझे? अभी तक तो मैं ठीक थी, खेलने भी गई, पर ये अचानक मुझे पेट में दर्द क्यों हो रहा? हाँ, शायद आज मैंने नदी के किनारे बहुत ज्यादा खेल कूद किया ना, इसलिए मुझे पेट में दर्द होने लगा। अगर दर्द ज्यादा हुआ तो मैं माँ को बोलूंगी। सोचते हुए स्वीटी चिड़िया अपने घर जाती है। स्वीटी, बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, इधर आ बेटी, फल खाओ। नहीं माँ, मैं और मेरे दोस्त मिलकर खा लिए, तुम खा लो। रोजी चिड़िया खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्वीटी को पेट में दर्द ज्यादा होने लगता है। उससे वह नींद से उठकर, माँ माँ, मुझे बहुत दर्द लग रहा है, कुछ करो माँ, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। बेटी को दर्द से तड़पते हुए देखकर, मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची? अब तक तो ठीक थी, अब क्या हुआ बोलो जरा। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो माँ। स्वीटी को पेट में दर्द ज्यादा होने लगा। रोजी घर के पास रहे तोता के घर जाते समय, ठंडी के मौसम के कारण उस रात बहुत ठंड पड़ रही थी, उससे रोजी तकलीफ होते हुए भी तोता के घर जाती है। तोता सोती हुई है। लैला, लैला। तोता बाहर आकर, क्या हुआ रोजी, इतनी ठंड में क्यों आई हो? मेरी बेटी स्वीटी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई है तो देना लैला। मेरे पास नहीं है रोजी, शायद डॉक्टर मैना कौवे के पास होगा। ठीक है लैला। कांपती हुई चिड़िया को देखकर तोता ने, ये लो कंबल रोजी, उसे ओढ़ लो, इतनी ठंड में तो कांपती हुई उड़ नहीं सकती। रोजी डॉक्टर मैना के घर आती है। डॉक्टर, डॉक्टर। यह सुनकर मैना डॉक्टर कौवा बाहर आकर, क्या हुआ रोजी, इतने ठंड में आई हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ डॉक्टर, मेरी बेटी पेट के दर्द से तड़प रही है, आप कुछ कीजिए। अरे रे रोजी, मेरे पास दवाइयाँ खत्म हो गई है, तुम चिंता मत करो, तुम उसको नींबू का पानी पिलाओ, दर्द कम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। रोजी तुरंत घर जाकर उसकी बेटी को नींबू का पानी पिलाती है। थोड़ी देर बाद स्वीटी का दर्द कम हो जाता है, उससे रोजी चैन की सांस लेती है।